चिकन ग्रेवी रेसिपी लाई हूँ जो सिंपल और जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए चिकन ग्रेवी लाई हूँ जो जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। 750 ग्राम चिकन है, एक भर के बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 भर के चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये मसाले वाले लाल मिर्च पाउडर है, आप चाहें तो सादी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप सादी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तो 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना पड़ेगा, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़े साइज के 3 टमाटर को कट कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लगभग आधी मुट्ठी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1/2 घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है, चलिए इसका तड़का लगाते हैं। मैंने कुकर को पहले से गर्म रख लिया है। 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, एक बड़े साइज की प्याज को बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ये डालेंगे। प्याज के कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर तेल में डालने से ग्रेवी का कलर रेड रेड बहुत अच्छा आता है। अब ये चिकन डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हल्का पानी दिख रहा है, 1/2 कप उतना। ढक्कन लगा देंगे, एक सीटी ले लेंगे और कम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। ओपन कर लेते हैं। चिकन भी गल गया है, टमाटर भी गल गए हैं, मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। देखिए ग्रेवी हो गई है, काफ़ी है ये 4 लोगों के लिए। नमक टेस्ट कर लेंगे। गैस तो पहले से बंद है, चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसी और एक टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।